हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। इसमें हमने पहले 10 एडजस्टमेंट्स कर ली थी। हमारी जो 11वीं एडजस्टमेंट है, 11 नंबर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ये प्रोविजंस आपको डेटर्स के ऊपर दिया होता है बैड डेब्ट्स के लिए। इसमें जब ये आपको एडजस्टमेंट के अंदर मिलेगा तो डेटर्स के अमाउंट के ऊपर एक निश्चित प्रतिशत से हम इसको बनाते हैं, और ये डेटर में एसेट साइड में डेटर्स में से लेस करके दिखाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड में दिखाया जाता है। सपोज करो आपके पास 50,000 के डेटर्स हैं, उसके ऊपर आपने 5% इसको बनाना है, एडजस्टमेंट में दिया है, तो ये आपका 2,500 हो गया। तो 2,500 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, और यहाँ 50,000 में से 2,500 हम लेस कर देंगे, ये 47,500 रह जाएगा। बैड डेट्स की एडजस्टमेंट इससे पहले होती है। उसके बाद हमारे ये एडजस्टमेंट नेक्स्ट 12 नंबर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये हमारी तीन एडजस्टमेंट्स हैं, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये तीन एडजस्टमेंट है हमारी। तो इन तीनों एडजस्टमेंट्स का एक ऑर्डर है। पहले नंबर पर बैड डेट्स घटती हैं, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया जाता है, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो यहां पर जो भी डेटर्स दिए होंगे, बैड डेट्स घटाकर पहले डेटर्स में से आप जो है लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स, जितना भी अमाउंट आएगा, फिर ये अमाउंट आया जो इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फिर ये जो अमाउंट आएगा इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यहाँ से लेस कर देंगे, ये निकल कर आ जाएगा। तो जब भी आपको दिया गया है, मान लो कि 2% प्रोविजन बनाना है, 3% बनाना है, जैसे यहाँ पर हमारे डेटर है 47,500, सपोज करो 2% प्रोविजन बनाना है आपने, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो यहाँ पर हमने पहले नंबर पर 47,500 है, इसके ऊपर 2% आप निकाल देंगे, 950 आएगा, ये 950 यहाँ भी दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, और यहाँ से इसको हम लेस कर देंगे। ये हमारी एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर और डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। उसके बाद इसी तरह से हम जिस प्रकार से डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट का प्रोविजन करते हैं, उसी प्रकार से हम क्रेडिटर्स के ऊपर भी डिस्काउंट का प्रोविजन करते हैं, जिनके हमने ग्रेटर लाइबिलिटी है, तो हम डेटर से भी जो है डिस्काउंट ले सकते हैं, और जैसी भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और दूसरे नंबर पर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। सपोज करो तो आपको 2% प्रोविजन बनाना है, सपोज करो आपको 2% प्रोविजन बनाना है, 2% में के प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 2%। तो यहाँ पर सपोज करो आपके 50,000 के क्रेडिटर्स हैं लाइबिलिटी साइड में, इस पर 2% बनाएंगे तो 1,000 हो जाएगा, और यहाँ पे बाकी का 49,000 आपका बैलेंस रह जाएगा लाइबिलिटी साइड में, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में 1,000 यहाँ पर दिखा देंगे। ये थी हमारी एडजस्टमेंट नंबर 13। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, प्रोविजन नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई
2017 से हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है लागू हुआ है एक्ट। इसमें हमारा एक तो होता है स्टेट जीएसटी, एक होता है सेंटर जीएसटी और एक होता है IGST। स्टेट जीएसटी, ये स्टेट का शेयर होता है जीएसटी में, ये सेंटर का होता है। तो ये तो विद इन स्टेट जब हम सेल करते हैं तब लगता है, लेकिन जब हम इंटर स्टेट सेल करते हैं तो IGST भी लगता है। तो यहाँ पर जब हमारा इनपुट जो जीएसटी है, इनपुट का मतलब जैसे भी हमने कोई परचेज की है उसके ऊपर जो हमारा जीएसटी जाता है उसको हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। व्हेन इनपुट जीएसटी इज मोर देन आउटपुट जीएसटी, सपोज करो आपको बैलेंस शीट में दोनों का ट्रीटमेंट करना है, इनपुट CAGST आपका है सपोज करो 80,000 और आउटपुट जीएसटी है आपका 60,000। इनपुट जीएसटी का मतलब है कि जो हमने आइटम परचेज किए हैं उनके ऊपर जो जीएसटी हमने आउटसाइड दिया है, मतलब परचेज के ऊपर, चाहे वो असेट्स हैं, चाहे आपने माल खरीदा है, चाहे आपने सर्विसेज ली हैं, उसके ऊपर जो जीएसटी दिया है उसको हम इनपुट CGST बोलते हैं। और आउटपुट CGST जब हम कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर हम कोई माल बेचते हैं तो उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पर इनपुट जीएसटी हमारा 80,000, इसमें से आउटपुट जीएसटी है 60,000, तो हमारा ये 20,000 रह जाएगा। इसी प्रकार जो स्टेट का शेयर है SGST, इनपुट है 80,000, ये सेम रेट होती है। सपोज करो किसी आइटम के ऊपर ये 8% है या 9% है तो इतना ही CGST होगा और इतना ही SGST होगा, ये सेम होते हैं। तो जीएसटी की जो रेट्स हैं वो 0 से लेकर और 28% तक है। 0 का मतलब यहाँ पर फ्री आइटम्स से है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं है, 28% मैक्सिमम रेट है जीएसटी की, बाकी ये रिवाइज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर भी इनपुट जीएसटी SGST 80,000 है, इसमें से 60,000 आउटपुट है, तो ये लाइबिलिटी साइड में और सॉरी असेट साइड में हमारा पेंडिंग रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है व्हेन इनपुट जीएसटी इज लेस देन आउटपुट जीएसटी, यानी कि जो आपकी जीएसटी में परचेज के समय जो आपने दिया है असेट्स की या सर्विसेज की या गुड्स की परचेज पर वो कम दिया है, और जो सॉरी ये हमारा है आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी ये हमने कम दिया है और आउटपुट जीएसटी हमारा ज़्यादा है, यानी कि हमने जो परचेज की है असेट्स गुड्स सर्विसेज उनके ऊपर हमारा जीएसटी कम गया है और हमने कलेक्ट ज़्यादा कर लिया, तो फिर ये हमारा जितना आउटपुट जीएसटी है उसमें से इनपुट जीएसटी घटाकर जितना डिफरेंस आएगा उसको लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, ये हमारा ट्रीटमेंट है इसका। तो ये आउटपुट जीएसटी 15,000 है, इनपुट जीएसटी 12,000 है, तो 3,000 ये डिफरेंस हो गए। ये हमारा सेंटर का है CGST और ये हमारा स्टेट का है। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमारी है वो है हमारी एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसा लॉस जो हमारा नेचुरल नहीं है, जैसे लॉस ऑफ गुड्स और असेट्स इन एक्सीडेंट और लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, तो ये सारे लॉसेस जो हमारे एबनॉर्मल हैं इनको हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मल लॉसेस वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये हमारा सपोज करो एबनॉर्मल लॉस भी दो तरह का है, एक तो हमारा है लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स में जितना भी माल हमारा एक्सीडेंट में खराब हुआ है या आग से खराब हुआ है या चोरी हुई है तो उसको लिखेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट, आग लगे तो लॉस बाय फायर, अगर चोरी हुई तो लॉस बाय थेफ्ट, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर जीएसटी जितना हमारा इस माल पे लगा होता वो भी साथ में आ जाएगा। अब बात ये हो सकती है कि ये जो हमारा लॉस हुआ है ये गुड्स हमारा इंश्योर्ड है और या पार्टली इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है, तो जब हमारा गुड्स पूरा का पूरा इंश्योरेंस सपोज करो हमें मिल जाता है तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट या लॉस बाय फायर। सपोज करो अगर हमारा 50,000 रुपये का माल
आग से जल गया, दो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और 50 के 50,000 रुपये का क्लेम हमें मिल गया, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट। तो इंश्योरेंस क्लेम को हम असेट साइड में लिखेंगे और जो लॉस बाय फायर या लॉस बाय एक्सीडेंट 50,000 उसको परचेज में से लेस कर देंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा सपोज करो कि जो एक्सीडेंट हुआ हमारा या जो थेफ्ट हुआ है या जो फायर हुई है उसमें हमारा 50,000 रुपये का माल जो है जल गया सपोज करो, तो लॉस बाय फायर आ जाएगा यहाँ पर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ये 50,000। अब हमारे को सपोज करो इसमें से 25,000 का क्लेम मिलता है, तो 25,000 हमारा यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा, तो ऐसे में हमारे को 25,000 रुपये का एग्जैक्ट लॉस हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 25,000 से, और ये लॉस बाय फायर या एक्सीडेंट जो है हमारा 50,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा हो गया। अब इसको अकाउंट्स में कैसे दिखाना है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में टू परचेज, इसमें से हमने जितना माल आपका एक्सीडेंट में फायर में या फिर थेफ्ट में गया है ठीक है वो लेस कर देंगे, टू परचेज लेस लॉस ऑफ गुड्स बाय एक्सीडेंट या फायर या थेफ्ट ये लेस कर देंगे। तो यहाँ से आपने सपोज करो 2,50,000 है, तो 2,50,000 में से 50,000 आप लेस कर देंगे। अब जो एक्चुअल में लॉस हुआ है कि मैंने बताया था अभी आपको कि हमारा मान लो सारा ही लॉस हो गया, इंश्योर्ड नहीं है, तो 50,000 यहाँ लॉस के रूप में दिखा देंगे। सपोज करो हमारे को 25 क्लेम मिल गया और 25 नहीं मिला, तो जितना नहीं मिला वो एक्चुअल में लॉस हुआ है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। और जितना इंश्योरेंस क्लेम मिला है सपोज करो आपको 25 मिला है, तो 25,000 आपके असेट साइड में आ जाएंगे। ये था आपका एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। तो एबनॉर्मल लॉस के बारे में बताया मैंने आपको, एबनॉर्मल लॉस लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट ये है। तो इसमें हमारी पहला लॉस है लॉस ऑफ गुड्स, तो इसका ट्रीटमेंट मैंने बता दिया आपको, एक तो परचेज में से लेस होगा, जितना इंश्योरेंस नहीं मिला है एक्चुअल में लॉस वो है वो पी एंड एल के डेबिट साइड में आ जाएगा, और जितना क्लेम मिला है वो हमारा बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट एडजस्टमेंट इसी में, लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ये हमारी फिक्स्ड असेट है, जैसे मशीनरी है, आग लग गई मशीन जल गई, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट एंड टू मशीनरी अकाउंट, एंड टू मशीनरी अकाउंट। तो ये जितने की भी मशीन हमारी आग में जली है वो लिख देंगे हम। अक्सर इस प्रकार की हानियाँ जो हैं बिजनेस में होती रहती हैं, तो लॉस बाय एक्सीडेंट या फायर या थेफ्ट टू असेट अकाउंट यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ये असेट साइड हमारी यहाँ मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में से लिख देंगे यहाँ लॉस बाय एक्सीडेंट या लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। सपोज करो आपके पास 5 लाख की मशीन है, 5 लाख में से 1 लाख की मशीन आपकी आग में जल जाती है, चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट में नष्ट हो जाती है, तो बाकी की असेट आपकी 4 लाख की बची, मशीन की बैलेंस बच गया। अब मान लो इसका आपका इंश्योरेंस सपोज करो है, तो आपका इसका 60% इंश्योरेंस मिल जाता है, तो 60% इंश्योरेंस आपका 60,000 रुपये इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा, और जितना इंश्योरेंस आपको नहीं मिला 40,000 ये एक्चुअल में लॉस है। तो ये इस तरह से हम दिखाएंगे, और इसकी एंट्री भी आपको बता दूं, इंश्योरेंस क्लेम जैसे आपको 60 मिल गया, प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000 चला गया, और लॉस बाय फायर या एक्सीडेंट कितना हो गया 1,00,000 रुपये ये आ गया यहाँ पर। तो ये आपकी एंट्री है, अगर पूछी जाए तो एंट्री ये कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट दोबारा से, जितने की भी असेट्स का लॉस हुआ है वो असेट्स जो पार्टिकुलर असेट्स है उसमें से लेस कर देंगे, सपोज करो मशीन का लॉस हुआ तो मशीन में से लेस कर देंगे, और बाकी के आउटर कॉलम में दिखा देंगे। जितना क्लेम मिला है वो आप असेट्स में ले जाएं, और जितना नहीं मिला है आप वो एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी 16, चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस बहुत चैरिटी करते हैं, और ये चैरिटी जो है गुड्स की हो सकती है, तो
जितनी भी चार्टी हमने दी है उसको डेबिट कर देंगे, एक प्रकार का एक्सपेंडिचर हमारा। और गुड्स की चार्टी की है तो टू प्रॉपर चेज अकाउंट इसमें से लेस हो जाएगा। इसके ऊपर भी जीएसटी का क्वेश्चन अराइज होता है, अगर जो माल हमने खरीदा था उस पर जीएसटी पे किया है तो सीजीएसटी और जो है इनपुट एसजीएसटी दोनों हम दिखाएंगे, और बाद में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चार्टी अकाउंट ये चला जाएगा हमारा। तो इसका ट्रीटमेंट सिंपल सा है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस करते हैं। सपोज करो आपके पास परचेज 5 लाख की है और इसमें से आपने 20,000 की चैरिटी की है तो चैरिटी इसमें से लेस कर देंगे, बाकी की नेट परचेज आपकी 4,80,000 बच जाएगी और चैरिटी को जितनी दी है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे। तो ये आपकी एडजस्टमेंट क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट है। तो जैसे हमने चैरिटी दी थी उसी प्रकार से हम जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर्स को या फिर अपने एजेंट्स को, तो वो जो सैंपल्स हैं हमारे लिए एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी, और बाद में इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट, तो ये भी हमारा उसी प्रकार से ट्रीटमेंट है जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज, इसमें से लेस कर दिया आपने एडवर्टीजमेंट यानी कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये आपका आपने जो गुड्स फ्री सैंपल दिया है ये परचेज में से लेस कर देंगे। सपोज करो आपकी 4 लाख की परचेज है और 10,000 रुपये के फ्री सैंपल आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो नेट परचेज आपकी रह जाएगी 3,90,000 की, और इसको एडवर्टीजमेंट के रूप में 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप दिखा देंगे। ये है आपका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है इसके बाद आपका ड्राइंग इन गुड्स। तो ड्राइंग इन गुड्स कोई भी बिजनेसमैन है सपोज करो उसको अपने पर्सनल यूज के लिए जिस चीज का वो बिजनेस करता है अपने पर्सनल यूज के लिए वो माल चाहिए, तो जितना भी उसने ड्राइंग किया है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट जीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी, और बाद में इसको हम जो है कैपिटल में से लेस कर देते हैं यानी कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसमें से ड्राइंग लेस हो जाएगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है सिंपल सा ट्रीटमेंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे ड्राइंग इन गुड्स। सपोज करो आपकी 5 लाख की परचेज है और आपने 10,000 रुपये का माल अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। सपोज करो आपकी कपड़े की दुकान है उसमें से आपने 10,000 रुपये के कपड़े घर पे यूज कर लिए क्लोथ्स, तो ये आपकी नेट परचेज जो है 4,90,000 रुपये की बचेगी, ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे। और इसको जो कैपिटल अकाउंट है उसमें से हम लेस कर देंगे जितना भी आपने 10,000 20,000 जितने का भी माल आपने यूज किया है, ये ड्राइंग इन गुड्स हो जाएगा। सपोज करो आपकी कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख में से 10,000 रुपये कटा देंगे तो 2,90,000 रुपये आपकी कैपिटल बच जाएगी। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 18 था। तो मैं एक बार फिर आपको दोबारा से शॉर्ट में सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं बता रहा हूँ। ये है आपकी एडजस्टमेंट पहली प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, सिंपल सी है। बैड डेब्ट इससे पहले करा दिया था डेटर में से लेस और पी एन एल की डेबिट में। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी वैसे ही है डेटर में से लेस हो जाएगी, पहले बैड डेब्ट्स घटती हैं फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये डेटर में से आप लेस कर देंगे और इधर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखा देंगे। उसके बाद आता है आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में से लेस हो जाएंगे और इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद एडजस्टमेंट थी हमारी लॉस ऑफ गुड्स,
उसके बाद हमारी थी एडजस्टमेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, जीएसटी की। तो जब जीएसटी इनपुट ज़्यादा होता है तो उसको हम असेट्स में दिखाते हैं। वो दो तरह का दिखाया गया, जो माल खरीदा हमने, वैसे तो तीन तरह का होता है, सीजीएसटी, आईजीसीएसटी और सीजीएसटी। इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो यहाँ असेट्स में लिखते हैं उसको। दूसरा, जब हमारा आउटपुट सीजीएसटी ज़्यादा होता है और इनपुट कम होता है, तो इसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। उसके बाद आता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का भी मैंने बताया आपको, लॉस ऑफ गुड्स, तो जितना भी लॉस हुआ है हमारा गुड्स का, उसको परचेज में से लेस कर देंगे। परचेज में से लेस करने के बाद हमें जितना इंश्योरेंस मिला, उसको हम बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, और जितना नहीं मिला उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड है। उसके बाद हमारा है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की हम बात करते हैं, ये लॉस बाय एक्सीडेंट टू असेट अकाउंट, पार्टिकुलर असेट, मशीन का लॉस हुआ तो मशीन में से लेस कर देंगे, थेफ्ट, फायर या जो भी हुआ एक्सीडेंट, तो ये मशीन अकाउंट में से लेस कर दिया। जितना क्लेम मिला वो बैलेंस शीट के असेट साइड में, और जितना नहीं मिला वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैरिटी, चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। तो चैरिटी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम ये। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू इनपुट एसजीएसटी, प्रॉफिट एंड लॉस टू चैरिटी। तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से लेस कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये भी आपको बताया, एडवर्टीजमेंट होती है फ्री सैंपल एक तरह का। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे एडवर्टीजमेंट, जितना भी सैंपल ये फ्री सैंपल आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद इसी जो कॉस्ट होगी उस पर लेंगे, तो परचेज में से यहाँ पर लेस हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट लेस एडवर्टीजमेंट, ये आपका लेस करके आपने दिखाना है यहाँ पर। उसके बाद है ड्रॉइंग इन गुड्स। तो दिस इज द लास्ट एडजस्टमेंट टूडे। ड्रॉइंग इन गुड्स, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, ये आ जाएगा आपका। और एंड में ड्रॉइंग्स को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। उसके बाद ये आपका है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ये हमारा है परचेज, परचेज में से ड्रॉइंग इन गुड्स को लेस कर दिया। जैसे 5 लाख की परचेज थी, 10,000 का ड्रॉइंग था, तो ये 4,90,000 बचा, और फिर बाद में जो हमारी कैपिटल होती है उसमें से इसको लेस कर देंगे। थैंक यू। तो ये एडजस्टमेंट हमने यहाँ तक की है। अगली वीडियो में हम जो है कंप्लीट एडजस्टमेंट्स कर देंगे जितनी भी हमारी बुक्स में हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।